मैच व्यू चैनल। तो यार कैसे हैं आप सब, होप यू गाइस ऑल आर फाइन। तो आज हम फिर से आ चुके हैं एक ऑफ रोडिंग ट्रैक पे। तो आपने पिछले वाला ट्रैक देखा होगा मेरा, वो आपका मालदेवता का था सल्फर फूल, जैसा कि आपको पता ही है, मेरे पिछले वाले व्लॉग्स में भी देखा होगा। तो आज मिलन भाई तो नहीं है, वो कहीं बिजी हैं, क्या पता वो हमें बीच में ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ है मयंक भाई। हेलो, क्या हाल है सबके। तो ये भी काफ़ी अच्छी ऑफ रोडिंग करते हैं, इनके पास भी एक्सपल्स है। अभी अभय भाई भी आ रहे हैं थोड़ा दूसरी साइड से, वो एक काम निपटा के आ रहे हैं, वो भी 5 मिनट में आ रहे हैं। उनके पास भी एक्सपल्स ही है, जस्ट अभी इन्होंने कुछ महीने पहले ही लिया है। आज हम जाने वाले हैं आज प्रेम नगर के जंगलों में। होप कि आपको मेरे व्लॉग्स में ऑफ रोडिंग भी काफ़ी ज़्यादा दिखेगी और आपको अलग अलग ट्रैक एक्सप्लोर करूंगा। अभी ये देख रहे हो पीछे, ये प्रेम नगर का इलाका है पूरा। तो आज हम अंदर ही जाने वाले हैं, काफ़ी बढ़िया ट्रैक है यहाँ का, लगभग 2 घंटे का तो ट्रैक है ही जो भाई बता रहा था हमें। तो बाकी अंदर जाके पता लगेगा कैसा ट्रैक है क्या है, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे। तो चलते हैं, भाई भी आने वाला है तो निकलते हैं फिर फटाफट से। अभी कैमरा माउंट कर देता हूँ मैं, क्योंकि जो मेरा हेलमेट वाला माउंट था उसका भी एक पार्ट और आना बाकी है, वो भी मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर करा हुआ है, कल या परसों तक आ जाएगा। फिर आपको पूरे हेलमेट से शॉट्स मिलेंगे देखने का। तो अभी वही वाले माउंट से आप मजे लो तब तक। सजना जी मैनु छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी। चलो जी, अबे भाई आ गए अपनी नई एक्सपल्स के साथ, क्योंकि उनकी बाइक की आवाज आ चुकी है। बढ़िया, लो जी देखो 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 कौन आया। अबे भाई आ चुके हैं हमारे बीच, और जो पूरा ट्रैक है वो इन्हीं भाई को पता है। तो ये आ गए हमारे अबे भाई। हाँ ऐसी चलती है भाई, क्या होता है, तेज चला रहे थे हम लोग भाई। कहाँ रहते हो आप लोग। तो अभी हमें कुछ थोड़े छोटे छोटे भाई मिले हैं यहाँ पे। कहाँ जा रहे हो आप लोग। तो कह रहे भैया बहुत तेज चला रहे थे, पर बच्चों को तेज लगती है अगर 40 की स्पीड भी हो। तो अभी हम जा रहे हैं ट्रैक के अंदर, अपना मैं माउंट करता हूँ कैमरा यहाँ पे, तो मिलते हैं अभी आपको ट्रैक के अंदर बिल्कुल। तो फाइनली रेडी है यार हम, अब हम ट्रैक में जाने के लिए माउंट वगैरह हो चुका है, भाई लोग रेडी हैं दोनों, अबे भाई और मयंक भाई। तो निकल रहे हैं अब जंगल के लिए, और आज आग लगा दी है, पर हाथों की रेड लगने वाली है आज। तो मिलते हैं आगे आपको। लंबी रात सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं उतारा तेरा चांद बन जाना कदी, परदेसी तेनो जरा जिस्म का शोक नहीं, दिल दीवाने तेनो बेवफा का रोग नहीं, कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं, तू ही है रब तुझे रब की कोई खोज नहीं। जाने मेरी जानी पर जानी मैनू छड़े ना नी आनी तेरी याद हर दफा, कौन समझाए जब टूट जाए साए, हाय रब जब हो वही जैसा।
यार अभी का सीन कुछ ऐसा है, अभी हम काफी अंदर आ गए जंगल के, अभी पीछे खड़े हैं अबे भाई और आगे हैं हमारे मयंक भाई और तीनों की एक्सपल्स काफी जबरदस्त चल रही है। तो यार अभी सीन कुछ ऐसा है, मिलन भाई नहीं आ पाए, अभी हम फिर अब बाहर ही जा रहे हैं। लगभग काफी सही ट्रैक था यार ये वाला, और इस ट्रैक में काफी काई थी जिसपे हमारा मतलब काफी बार जो पीछे वाला टायर है वो स्केट हुआ है। तो अभी हम एक छोटी सी लोकेशन पे रुके थे, यहाँ पे पानी है जानवरों के लिए, तो यहाँ पे थोड़ा सिनेमैटिक शॉट लेते हैं और आपको दिखाते हैं। और काफी बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पे, मेरा फर्स्ट टाइम है ये वाला ट्रैक। तो आपको अगर आपको इस ट्रैक पे आना है तो आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जाके, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके डीएम कर सकते हो मुझे, तो तब मैं बताऊंगा, यूट्यूब में नहीं बताने वाला ये ट्रैक। तो जो बंदा मुझे सही लगेगा मैं उसी को बताऊंगा ये ट्रैक, क्योंकि यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं चाहिए क्योंकि काफ़ी शांत इलाका है अभी। मतलब हमारे सिवा तो कोई दिखा नहीं है, मतलब जो दिख रहे हैं लोग वो पीछे ही, उनको एंट्री नहीं मिल रही अंदर। तो देखते हैं अभी क्या सीन होता है, फिर सिनेमैटिक शॉट है, एंजॉय करो आप। सजना जी तेरे बिना जी लागे ना, हम रब से मांगे तुझे और कुछ मांगे ना, लकीर साथ मांगे गेरो का रंग भावे ना, किस्मत मंजूरी ना दे तू ही मन को भावे हाँ, परदेसी बिना तेरे शहर की गलियां सुनी, होली में रंग नहीं ईदी में भी चांदनी, कहने को महीना ये मोहब्बत वाला झूठा है, साजन बिन सजनी चांद बिन चांदनी नी। हाय सजना जी मैंनु चट के नी जाना, बिना तेरे मैंनु मिल भी सजा, हाय सजना जी तेनु बाहा विच भर लूं मैं होना कभी मुझे सजा। यार फाइनली यहाँ पे लगभग हमें आधा एक घंटा हो गया बैठे बैठे ही, मतलब यार यहाँ पे इतना मजा आ रहा था, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। भाई लोग अब कह रहे हैं अब जाना है, फिर उसके बाद अभी टाइम से घर भी पहुँचना है क्योंकि आज हमने लेट राइड स्टार्ट की थी और एक और ट्रैक जो था काफी लंबा था। तो अभी देखते हैं क्या सीन होता है, अभी बाहर की तरफ जा रहे हैं, क्या पता मैं मिलन भाई से मिलूं क्योंकि वो मिलने के लिए कह रहे थे। तो चलते हैं फटाफट से यहाँ से बाहर, बाकी बाहर जाके आपको एक लोकेशन दिखाता हूँ कैसा है, क्या एंट्री है यहाँ की। बाकी इंस्टाग्राम का नाम आपको नीचे आ रहा होगा, बाकी वहाँ जाके आप मुझे डीएम कर सकते हो नाम कहाँ है ये जगह है। काफी सही है, सिनेमैटिक शॉट्स भी आपको काफी पसंद आए होंगे। तो बढ़िया यार, हवा तो काफी सही चल रही है, हवा देख रहा है भाई कितनी बढ़िया चल रही है ना, यहीं रह लेते हैं यार आज। मैं तो बोल रहा हूँ यहीं ले आता हूँ मैं टेंट अपना और यहीं रुक जाते हैं, कैंपिंग लाके यहीं रहने का मन कर रहा है। काफी सही हवा है, पेड़ भी काफी सही है यार, मजेदार है, वाले सीन चल रहे हैं। तो चलते हैं बाहर यहाँ से, बाकी आपको एंट्रेंस दिखाता हूँ यहाँ की। अभी हम पहुंच चुके हैं एंट्रेंस गेट पे, यहाँ से एंट्री थी ये ट्रैक की। तो भाई यह रास्ता तो मैंने आपको बाहर से दिखाया नहीं है, पर अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करोगे तो मैं आपको पूरा रूट बता दूंगा यहाँ का। ये कुछ बाइक्स खड़ी हैं हमारी, थोड़ी तीन खड़ी हैं, बाकी बंदे नहीं आए आज। तो ये कुछ एंट्रेंस है, यहाँ पे गार्ड भैया बैठते हैं तो अलाउड नहीं करते, पर परमिशन लेनी पड़ती है पहले। तो ये देख लो यहाँ से पूरा रास्ता है जंगलों का। लगभग अभी जो हमने ट्रैक किया ये कम से कम 7 किलोमीटर था लगभग, तो सही था यार। तो पूरे हम सब बाहर आ चुके हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे गार्ड भैया मिलेंगे, ये इनसे परमिशन लेके जाओ अंदर। यार बहुत मज़ा आया यार आज की राइड में, और ये जो राइड पे लेके गए थे हमें अबे भाई लेके गए थे, क्योंकि ये रास्ता मुझे नहीं पता था, जो रास्ता था ये अबे भाई को पता था। तो जैसा भी है मज़ा आया, अभी हम जा रहे हैं देहरादून सिटी की तरफ। फाइनली यार मैं घर पहुँच गया था, तो मिलन भाई नहीं मिले थे, हम देहरादून गए थे, उनको फ़ोन वोन किया तो वो तभी भी काम पे फंसे हुए थे, तो कोई नहीं नेक्स्ट राइड कर लेंगे उनके साथ। तो ये सीन ही ऐसा था कि मैं अब घर आ चुका हूँ, मैं घर आया और सो के उठा तो मैंने चेक किया कि यार मैंने जो लास्ट की वीडियो है एंडिंग तो करी नहीं, तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं घर में आके एंडिंग कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आई होप कि यार आपको ये वाला ट्रैक प्रेमनगर का पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियो को यार, क्योंकि मैं अब ऑफ रोडिंग ट्रैक आपको दिखा रहा हूँ और अगला ट्रैक जो होगा वो देखते हैं कहाँ का होता है और कौन कौन आने वाला है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, बने रहना मेरे साथ। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।